अब कैसे हो कैसे हो? आशा करता हूँ सभी कोई ठीक ही रहेंगे और अच्छे से वेट प्लेस कर रहे हो। ठीक है, मेरा इस चैनल पर जितना भी सब्सक्राइबर है फिलहाल, ठीक है, मैं दो दिन से व्यस्त था और वीडियो रोज़ रोज़ नहीं दे सकता। ठीक है, तो उस वजह से मैं बोलता हूँ आपको डेली का अगर एनालिसिस चाहिए क्रिकेट का, बैटिंग का, कुछ भी आपको, अगर आपको कुछ भी चाहिए, ठीक है, तो आपको मेरा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे आप जाके आप ज्वाइन हो जाइएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। और उस पर मैं बैटिंग का टिप्स वगैरह बताते रहता हूँ, ठीक है, किसको यस करना है, कौन सा सेशन नोट करना है, कहाँ पे विकेट कॉल लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है, कहाँ पे छोड़ना है, कहाँ से खेलना बंद करना है, मैं वहाँ वो भी बताते रहता हूँ। ठीक है, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो एक चीज़ आप लोग को सिखाता हूँ मैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, वो चीज़ को देखिए। आप मान लीजिए, देखिए मुल्तान आज PSL का फाइनल है, ठीक है, अब तक ये वीडियो पहुँचते पहुँचते बहुत देर भी हो सकता है या बहुत जल्दी भी मिल सकता है, ठीक है। तो आप अगर मेरा चैनल पे सब्सक्राइबर होंगे तो तुरंत ही आपको मिल जाएगा, ठीक है, आप एक चीज़ फॉलो कीजिए, ठीक है। ये देखिए, जो यहाँ पे पेशावर का जो टोटल रन दे रहा है 167, ठीक है, ये रहा, देखिए ये मेरा हिसाब से कम दे रहा है, ठीक है, ये बहुत कम दे रहा है, हालांकि इससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, 167 प्लस होना चाहिए, ये हमेशा याद रखिएगा, ये कम दे रहा है, ठीक है, इसको नोट मत कीजिएगा, इसे ये ऐसे ही कीजिएगा, ठीक है। 167 अगर पेशावर पहला फर्स्ट बैटिंग पकड़ता है तो 167 को आपको यस करना है, ठीक है। और ये जो आपका मुल्तान सुल्तान का दे रहा है 169 171, ठीक है, अगर ये भी फास्ट बैटिंग पकड़ता है, पहला बैटिंग अगर मुल्तान सुल्तान पकड़ता है तो इसको भी आप लोग यस करना है, ठीक है, यानी कि जो फास्ट बैटिंग पकड़ता है टोटल रन को यस ही करना है, ठीक है। तो मैं कैसे बोल रहा हूँ, देखो ये फाइनल है, ठीक है, ये फाइनल है, तो फाइनल में रन हाई स्कोर ज़्यादा होता है और आज का पिच भी फ्लैट ही होगा मैं जैसे सोच रहा हूँ, ठीक है, अगर मेरा अकॉर्डिंग होता है तो आज का पिच फ्लैट होगा भाई, हाई स्कोरिंग वाला मैच होना चाहिए मेरा अकॉर्डिंग। और आपको विकेट कॉल कौन कौन सा लेना है, ठीक है, ये देखिए, एक हो रिजवान, ठीक है, ये देखिए रिजवान का हमें 30 दिया हुआ है, 30 या 30 नॉट, ठीक है, तो रिजवान स्लो खेलने वाला प्लेयर है, ठीक है, तो इसका आप लोग रन नोट करके रखिएगा, ठीक है, इसका जो भी हो रन इसका नोट करके रखिएगा, आप फायदे में रहेंगे, ठीक है। इसका देखिए रिजवान का बॉल भी आएगा, अभी फ़िलहाल बॉल नहीं दे रहा है, ठीक है, मैं देख रहा हूँ, तब भी आप देखिए खुद ब खुद मैं देख रहा हूँ, बॉल नहीं दे रहा है फिलहाल, ठीक है। तो और एक चीज़ आपको फॉलो कर लीजिएगा, देखिए टॉप बैट्समैन रन इन मैच, ठीक है, मैच से पहले ही देता है ये सब, ठीक है, टॉप बैट्समैन रन इन मैच, ठीक है, ये 67 बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है, यस और नॉट, ये रहा नॉट और ये रहा यस, ठीक है, यस पे दे रहा है 1000 पे 800 और नॉट पे 1000 पे 1000 ही दे रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी आपको एनालिस करना है, टॉप बैट्समैन 67 रन बनेगा या नहीं, मेरा अकॉर्डिंग तो ये नहीं बनेगा, ठीक है, यहाँ नॉट होना चाहिए, 67 नहीं बनेगा, मतलब ये पेशावर का या मुल्तान का कोई एक बैट्समैन 67 बना पाएगा या नहीं, ठीक है, मेरा अकॉर्डिंग तो नहीं बना पाएगा भाई, ठीक है, मेरा अकॉर्डिंग मानो तो। और ये रहा देखो, यहाँ पे दे रहा है हाई स्कोरिंग ओवर इन मैच मुल्तान और पेशावर, ठीक है, तो एक ओवर पे आपका हाई स्कोर रन कितना होगा, 20 रन से नीचे होगा एक ओवर में या कोई एक ओवर, यानी कि आपको वो 17 ओवर भी हो सकता है, वो 16 पहला ओवर भी हो सकता है, ठीक है ना, 21 रन होगा, ठीक है। तो मेरा अकॉर्डिंग मानो तो ये 21 ही बेस्ट होगा, ठीक है, ये एसी होगा 21, ठीक है। और आपको जानने के लिए बहुत कुछ है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा, मैं जितना हो सकेगा, मैं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो शॉर्टकट में आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और आपको कहीं भी यहाँ पे बेड प्रेस नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है, एक्स्ट्रा वगैरह यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे भी नहीं करना है, ठीक है, LB यहाँ पे भी नहीं करना है, ठीक है, LB हालांकि आप अगर नोट करेंगे तो एक ही LB होगा, ठीक है, इसे भी नोट करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ चुके हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, आपको बॉल कहाँ पे नोट करना है, बॉल फिलहाल नहीं दे रहा है, ये देखिए रिजवान का 30 यस 30 नॉट 30 यस दे रहा है, ठीक है, मकसूद का 23 नॉट 23 यस दे रहा है, ठीक है। तो मैं एक आपको चीज़ बोल रहा हूँ, आप इसे फॉलो कीजिएगा, ठीक है, यस मकसूद ये हो गया स्पीड खेलने वाला बैट्समैन है, ठीक है, तो इसका 23 आप लोग यस कर लीजिएगा, ठीक है।
और मकसूद का जब बॉल देगा कितना इतना बॉल एक खेल पाएगा कि नहीं, तो मकसूद का बॉल नॉट कर देना, ठीक है। सेम रिजवान का साथ भी करना, रिजवान का रन आप लोग नॉट करना और इसका बॉल यस करना रिजवान का, ठीक है, क्योंकि ये बॉल ज़्यादा खेलता है, ठीक है। रन भले बने या ना बने लेकिन बॉल ज़्यादा खेलता है। आप लोग को विकेट नॉट या यस किस तरह से कौन सा बैट्समैन का करना है, हर एक बैट्समैन को आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। लॉस होगा तो भी 150 रुपीज़ शायद कभी कभी आपका नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तब वो कहाँ पर आपको यस या नॉट करना है, मान लीजिए देखिए रिजवान एक स्लो प्लेयर है, इतना हाईली स्पीड नहीं खेलता, ठीक है। तब रिजवान का बॉल जब आएगा मैच चालू होने के बाद तो बॉल को यस कर सकते हैं, या 20-21 बॉल देता 22 बॉल देता तो उसे यस कर लीजिएगा, क्योंकि ये 22 बॉल खेलेगा, ठीक है। और इसका रन जो होगा तो इसका रन को आप लोग नोट कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो क्या ठीक आपका 22 बॉल खेल लेगा लेकिन वो बनाएगा 20 रन या 25 रन तो क्या कीजिएगा, ठीक है। 30 दे रहा अभी उसको नोट कर दीजिएगा, ठीक है, वो बेहतर होगा मेरे लिए, मेरा तब से मैं बोल रहा हूँ। कोई भी बैट्समैन अगर जैसे अकमल, ये रहा देख लीजिए अकमल, ये देखिए 22-22 दे रहा, ठीक है, ये फिलहाल बस बहुत जल्दी ही आउट हो जाता है, ठीक है। तो इसका रन नोट करते जाइएगा, ये शायद ही किसी दिन चल जाता है, ठीक है, हर दिन नहीं चलता है, ठीक है। इनका बॉल को नोट कीजिएगा, रन को भी नोट कीजिएगा, ठीक है। ये इतना लंबा नहीं खेलने वाला बैट्समैन है, ठीक है। और ये जाजाई का जो रन दे रहा है 21 को यस कीजिएगा, जाजाई का बॉल आएगा तो बॉल को नोट कीजिएगा, ठीक है, बस इतना ही है। और एक छोटा सा टिप्स आप लोगों को देता हूँ, ये देखिए पैसा और कर दे रहा, ठीक है, 82 3 विकेट, ठीक है, ये रहा 86 मुल्तान का 3 विकेट, ठीक है। तो मुल्तान का 83 नॉट करना है और पेशावर का 82 यस करना है, ठीक है। 82 रन का वाली तीसरा मतलब 3 विकेट गिरेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे फेवरेट लग रहा है पेशावर, डायरेक्टली बोल रहा हूँ पेशावर मुझे फेवरेट लग रहा है, बट मैच से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मैच से कुछ भी हो सकता है, बट आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो भाई आज तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। आप लोग अच्छा सा बेट प्लेस कीजिएगा, ज्वाइन हो जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग को बहुत कुछ आपको टिप्स वगैरह बहुत कुछ मिलता रहेगा, ठीक है।